सम्मान की लड़ाई है सर। रामनंद जी निकलते, तलवार लेके निकलते, कोई नहीं रोकता। तब सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब की वोट लेके निकलते, इसका मतलब हमारा अपमान है। बाबा साहब का संविधान का अपमान है जो बीजेपी मिश्रा जी ऐसे करते हैं। शांतिपूर्ण मार्च करने जा रहे थे, फिर से आप लोग बंद करो। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अखरा। कल अंबेडकर जयंती और अंबेडकर जयंती के दिन देश में संविधान लेकर के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे। पर जिनको संविधान से नफरत है, जिनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है, उन सरकारों ने रोकने का काम उन लोगों को किया जो संविधान को बचाने की मांग करते हुए दिल्ली की सड़कों पर निकले थे। जहां एडवोकेट पराजा, एक्टिविस्ट रितु सिंह और तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया क्योंकि वो संविधान को बचाने की मांग कर रहे थे और ये साफ शब्दों में कह रहे थे कि जहां देश में रामनवमी के दौरान मस्जिद के आगे नंगी तलवारें लहराने की आप इजाजत दे सकते हैं और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आप ये नारे लगवा करके इजाजत दे सकते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार करो, तो आप संविधान की मांग जो बचाने की कर रहे हैं उनको रैली क्यों नहीं करने दे रहे, उन्हें मार्च क्यों नहीं करने दे रहे, जिसका वीडियो खुद हम लोगों ने बाहर जाकर के शूट किया। किस तरीके से माहौल बना शुरुआत में, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हम भी आपके साथ मार्च में चले, ये हमारे भी आगे आपके भी जो बच्चे हैं ना, भी बचाने की मांग। ये कलम बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस बाबा साहब की वोट बस। क्या इससे आपको परेशानी है? आज बाबा साहब से परेशानी है? इस मार्च को वो रोक देगा जो इसके विरोध होगा, इससे कोई परेशानी जो भारत के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, वो आज इस मार्च को रोक देगा। और संविधान को बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। संविधान को बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। हम संविधान को बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। संविधान को बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। बस इतना कह रहे हैं। आप बोलिए, प्लीज अब काम मत करना, बोलते ना मेरी बात ना, संविधान को बचाओ, बचाओ जो आपने करना था। इधर बदल गए, वहीं जा रहे हैं। मैंने जवाब में बोला, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का आपको अपना हक रखने का जगह वो जगह दी है। किसी भी प्रकार का इस टाइप का मन आप नहीं मना किया। हम उस संविधान को सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है उन्होंने गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन के तहत हमने आपको मना किया। अब उसी गाइडलाइन के तहत आपको रिक्वेस्ट करो, आपको रिक्वेस्ट करो, आपने जो है अपना ठीक है आगे से जो आगे अभी करते हैं, आपको तो उसी संविधान का उसी सुप्रीम कोर्ट का बोला। आपने वो जजमेंट चेंज करने की दोबारा आपको लगता है ऑर्डर इलीगल है, आपको लगता है मैं बंद कर रहा हूँ, आप कल संजय को लेगा अपने सुप्रीम कोर्ट है, ये तो आज कर लेंगे। चलेंगे ये सम्मान की लड़ाई है सर। रामनवमी निकलती है, तलवार लेके निकलते, कोई नहीं रोकता। तब सुप्रीम बाबा साहब की फोटो लेके निकलते, इसका मतलब हमारा अपमान है। बाबा साहब का संविधान का अपमान है जो ब्रिजेश मिश्रा जी ऐसे प्रस्ताव कर रहे हैं। बाबा साहब की आप रैली रोकेंगे, कोई याद नहीं आता। आज हम पीसफुल मार्च निकाल रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। जबकि आज बाबा साहब की जयंती है, आप कैसे सर मना कर सकते हैं? कभी मना करा उनको? रामनवमी पर तलवार लेके निकलते हैं लोग। सरकारें करती हैं, पुलिस को अलर्ट करती है।
आपको तो और सपोर्ट करनी है सर, हमारी सुरक्षा में आपको एजेंसी और अलर्ट करनी है। सबको जेल में डाल दो या गोली चलवा दो, तीन बंदा साहब की फोटो लेके भी नहीं चलेंगे। अब आप उनकी सपोर्ट करें, स्वतंत्र भारत आजाद आजाद भारत। एक मिनट, अगर अमित शाह आजाद भारत में है सर, अगर अमित शाह जी ने हमें गोली मारने का आदेश दिया, चलवा दो आपकी ड्यूटी, आप गोली मार दो गोली। आज ये पता चलता है कि अमित शाह जी ने, हम अपने हाथ पीछे बांध लेते हैं, आप गोली मारो, चलो हमारे हाथ से पता चल रहा है कि आदेश दिया, आप चलो गोली चलाओ गोली, क्योंकि ये पक्ष जो है वो संविधान को बचाने के लिए निकला है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, गरीब तबका हर एक यहाँ पे आया देश के संविधान को बचाने के लिए। और यहाँ से जो जिस तरीके से पुलिस रोक रही है, पता चल हमारे लोगों को भी आने से रोक रहे हैं, अंदर बाबा साहब की प्रतिमा पता चल रही होती है, ऑर्डर है ऊपर से कि ये दलित पिछड़े आदिवासी निकल चुके हैं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए, चलाओ इन पे हमारी छाती तैयार है, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। मैं यहाँ से बोल दे रही हूँ, आज आप जेलों में समा नहीं पाओगे। तो दोस्तों आपने देखा कि तमाम संविधान को बचाने वाले लोग एक ही बात कहते हुए प्रशासन से नजर आए कि आप हम लोगों को क्यों रोक रहे हैं। जो रामनवमी के दौरान मस्जिद के आगे खुला तांडव करते हैं, उन लोगों को आप लोग रोकते नहीं। जो मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करते हैं, उन्हें आप लोग नहीं रोकते हैं। और ऐसे में जब एडवोकेट महमूद पराचा जैसे तमाम लोग सड़कों पर निकलते हैं, तो गोली मारने के आदेश उन लोगों को दिए जाते हैं। जहां एडवोकेट महमूद पराचा से मैंने खुद बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले उनके बयान पर नजर डाली। शांतिपूर्ण मार्च करने जा रहे थे, फिर से आप लोग बंद करो, ये बोला है कि अमित शाह जी ने बोला है कि गोली चला दो अगर ना रुके तो। महिलाएं आपके साथ हैं, ये SHO साहब ने बोला मुझे, उनके भी गोली लग सकती है, इसलिए मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता। तो दोस्तों आपने सुना एडवोकेट महमूद पराचा को, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, क्योंकि ये लोग संविधान की रक्षा करने वाले लोगों से डरते हैं, क्योंकि हम बात संविधान की करते हैं, इसलिए ये रवैया अपना रहे हैं। इसी के साथ हमने डॉक्टर ऋतु से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डाली। महमूद प्राचा जी को धमकी आई है, महमूद प्राचा जी के कान में पुलिस ने कहा है कि आपको गोली मार दी जाएगी, उनका निशाना महमूद प्राचा जी बहुत टाइम से है। ऐसे नहीं महमूद प्राचा के ऑफिस में रेड डाली, क्योंकि वो सच बोलते हैं, वो सच अम्बेडकरवादी हैं। एक मुसलमान अम्बेडकर के रास्ते पे चल रहा है, अम्बेडकर की बात कर रहा है, इससे बड़ा खतरा क्या होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर ऋतु ने साफ और तल्ख तेवर में ये कहा कि हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं, और ये सरकार जो है संविधान की बात नहीं करती, बल्कि संविधान की खुद धज्जियां उड़ा रही है। और जब तक ये सरकार ये करना नहीं रोकेगी, हम लोग ऐसे ही सड़कों पर उतर करके एहतजाज करेंगे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं, वो आपके सामने पहलू दर पहलू रखना इसलिए जरूरी था, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, वो यकीनन संविधान के हित में बात करने वालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ संविधान की बात करने वाले लोगों को ही जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, और जो खुल करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ दिया गया है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।